अलीगढ़ में विद्युत विभाग से संबंधित समस्याओं को लेकर अलीगढ़ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष उपेंद्र वाशनिक के नेतृत्व में शहरी अधीक्षण अभियंता अपीलेंट अधिकारी संपूर्ण नगर क्षेत्र पीके मोंगा से मिला। उपेंद्र वाशनिक ने कहा कि व्यस्त बाजारों में जर्जर विद्युत तार लटकते रहते हैं, जिससे आए दिन हादसे होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने मांग की है कि लटके हुए तारों को शीघ्र व्यवस्थित किया जाए। इसके साथ ही विद्युत खंभों में बरसात में करंट आने का खतरा बना रहता है, इन्हें भी सही कराया जाए। प्रदेश संगठन मंत्री सुरेश चंद्र व जिला उपाध्यक्ष अनिल राज गुप्ता ने कहा कि विद्युत तारों को विद्युत कर्मचारी घरों की रेलिंगों से बांध देते हैं, जिससे घर में करंट आने का खतरा बना रहता है। विभाग इसके लिए उपयुक्त उपाय करे। महानगर महामंत्री विशाल भगत व महानगर उपाध्यक्ष पवन किराना ने कहा बाजार में अवकाश के दिन इन्हें सही कराए। अधीक्षण अभियंता अधिकारी ने व्यापार मंडल को समस्त कार्यों के निस्तारण का आश्वासन दिया। सबसे पहले अलीगढ़ के सम्मानित व्यापारियों का, व्यापार मंडल का, सबका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने आज अपने बहुमूल्य समय को निकाल के हमारा सम्मान करने के लिए, हमें अपना अपने संगठन का एक आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में हमारे आए हैं, हमारे द्वार पे आए हैं। मैं सभी व्यापारियों का, विशेषकर आपके व्यापार मंडल का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। व्यापारियों ने अपनी व्यापार के लिए जो सुगमता होनी चाहिए उसके लिए कुछ अपने सुझाव दिए हैं, कुछ उनकी परेशानियां हैं। निश्चित रूप से मैं अपने कार्यकाल में बहुत शीघ्र ही इन्हीं सारी परेशानियों को दूर कराऊंगा और जितने भी आपके सुझाव हैं उसमें आपसी सामंजस्य बिठा के, ताकि आप आराम से बिना बिजली की चिंता किए अपना बिजली को उपयोग करते हुए अपना व्यापार सुगमता से कर पाएँ, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। कुछ सहयोग की भी आकांक्षा रहेगी कि जब काम करेंगे तो कुछ आपसे सहयोग मिलेगा तो जल्दी काम समाप्त हो पाएगा, और यदि यथाशीघ्र ये काम कर पाएँ ताकि जो अगला सीजन हमारा आने वाला है जिसके अंदर क्राइसिस होती है उस क्राइसिस से हम लोग बच पाएंगे। मैं श्री पीए मोंगा अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग इनसे भेंट की, ये चूँकि अभी यहाँ पर इनका ट्रांसफ़र होकर ये यहाँ आए हैं, तो हमने एक इनसे फॉर्मल विजिट किया, इनको धन्यवाद दिया और साथ साथ हमने इनको अपनी कुछ व्यापारियों की जो समस्याएं आ रही हैं बिजली को लेके वो भी बताई। प्रदेश की सरकार और देश की सरकार मनमांगा पैसा इनको भेज रही है, जितना ये डिमांड करते हैं उतना पैसा इनको आ रहा है। अभी 437 करोड़ रुपया केवल लाइनों के चेंज के लिए इनको दिया गया है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि पुराने शहर में सब तार जैसे पहले झूलते थे वैसे ही झूल रहे हैं, चाहे वो दवा बाज़ार फफाला हो या महावीरगंज हो या और अन्य बाज़ार हो, छिपेटी हो, सब में तार ऐसे ही झूल रहे हैं। और चाहे जब दुर्घटना उनमें हो जाती है, पहले हो चुकी हैं, हमने इनसे मांग की है कि इन तारों को या तो अंडरग्राउंड किया जाए या व्यवस्थित किया जाए जिससे कि कोई आने वाले समय में दुर्घटना हो। साथ साथ जो वर्किंग आवर्स में ये बिजली की कटौती कर देते हैं कि साहब लाइन चेंज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको अभी हमें ऐतराज है कि जब भी शटडाउन लिया जाए ऐसे समय लिया जाए जब व्यापारी के वर्किंग आवर्स ना हो। एक तो वैसे ही व्यापार कम है, ऑनलाइन सारा व्यापार चला गया है, और जब बिजली ग्राहक आता तो हमारे यहाँ बिजली नहीं होती, तो उसको भी लेके हमने इनसे मांग की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र ही इसमें सुधार करेंगे।